नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं रीता मिश्रा तिवारी और आज फलक के लेखक हरीश श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है प्रेम। रघुकुल सहाय एक अच्छे वकील थे और उनकी फीस भी बहुत महंगी रहती। पुश्तैनी रईस थे पर रहते बहुत सादे तरीके के साथ। वकालती सहायता को छोड़कर वो हर किसी गरीब की सहायता भी करते। सड़क पर गर्मी के दिनों में पानी और जाड़े में 10-20 कंबल भी बांट आते। पत्नी फ्रांस की थी पर हिंदुस्तानी, क्योंकि वे हिंदू दंपति का परिवार वहीं बस गया था। खाने पीने का चलन तो एक जैसा था, तो कोई परेशानी नहीं थी। रघुकुल की माँ रहती तो गांव में थी अधिकतर स्वास्थ्य लाभ के लिए, परंतु बहुत ही उदार हृदय की स्त्री थी। रघुकुल की पत्नी जैता जब आई तो थोड़ा घबराहट थी, पर पहली ही रात सारे कार्यक्रम के बाद रघुकुल की माँ जैता को अपने कमरे में ले आई और कहा कि घबराना मत, तुम्हारे पिता और मैं पहले इश्क करते थे, इसलिए तुमको छीन लाई। मुझे कैंसर है तो मैं गांव में ही स्वास्थ्य लाभ करती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारा है, रघुकुल का है, और अपने हिसाब से जीना। जो तुम उसे, मतलब अपने पिता से कहती हो, वह सब मुझसे कह सकती हो, सब पूरा कर दूंगी। जैता को लगा कि उसके पिता सामने खड़े हैं और वह माँ से लिपटकर रोने लगी। तुमको क्या लगा था कि तुम्हारी इच्छाओं का हनन हुआ है? नहीं, पापा ने रघुकुल को मुझसे मिलवाया था और मैंने स्वयं स्वीकार किया था, पर यह नहीं मालूम था। प्रेम एक एहसास है जैता, यह पुश्तैनी हवेली है, आती रहना यहाँ। जाओ, रघुकुल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, और नारी मन की बात किसी को बताना नहीं। जी माँ, सदैव याद रखूंगी, और चली गई। एक वर्ष बाद जैता के पुत्र पैदा हुआ। रघुकुल की माँ गांव से आई थी पूरा संदूक भर गहने लेकर। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात से लाद दिया था जैता को। शुभ मुहूर्त में जैता के बच्चे का नामकरण हुआ, नाम जनक सहाय रखा गया। 2-4 दिन रहकर वह चली गई। थोड़े ही दिनों में उन्हें लगने लगा कि अब समय आ गया है धाम जाने का, तो रघुकुल को बोलकर वो पहुंच गई। पूरी तरह से कृष्णकाया को देखकर जैता रोती रही। गोदी में बच्चे को लिए और रघुकुल पैरों पर रोता रहा। माँ, ये क्या हाल कर लिया आपने? बेटा, यादों के सहारे बहुत जिया, अब खुशी खुशी विदा कर दो। माँ, अमेरिका ले चलते हैं ना आपको? क्या करोगे जिस्म को रखकर? अपने माता पिता की आत्माओं का हनन मत करो, यही तुम्हारी श्रद्धांजलि रहेगी। रघुकुल ने कोर्ट जाना बंद कर दिया और सहायक सब काम देखता, बीच बीच में आकर पूछ जाता। रघुकुल की माँ ने जैता के पिता को फ्रांस से बुलवाया था। वे आए थे और केवल देखते रहे, आंसुओं को रोकना सहज नहीं था। राजीव, जैता के पिता, मैं शायद ना रहूं, बहुत लड़ ली। तुम्हारे दोस्त के जाने के बाद इस बीमारी ने जकड़ लिया, अपने वंश को भी देख लिया और अंत में तुमसे मिलने की इच्छा भी पूरी कर ली। राजलक्ष्मी को बहुत बहुत स्नेह देना मेरी तरफ से। फिर रघुकुल और जैता को बाहों में ले लिया, आत्मा चली गई थी। राजीव ने दोनों को अलग किया
सारे गांव के लोग शहर आए क्रियाक्रम में सम्मिलित होने। विधिवत सब कार्य संपूर्ण हो गया। रात को कमरे में जैता और राजीव थे। तब जैता ने पूछा, पापा आपने इस माँ को क्यों धोखा दिया? राजीव चौंक गए, ये कैसा प्रश्न है? मेरा ख्याल है पहले आप दोनों प्यार करते थे। हाँ यह सच है। कोई कमी थी माँ में? नहीं, परंतु जब मैं फ्रांस गया तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तुम्हारी अपनी माँ के साथ मैं खो गया वहाँ। आपने इनकी पैतृक हवेली देखी है जो इनके पिता की थी, और ये देखिए जो इनके ससुर का है, और फिर अपने फ्रांस के कबाड़ी घर को, और वहाँ की संकुचित व्यवस्था को देखिए। रघुकुल जैसा आदमी भी वहाँ कम ही मिले, मैं शायद नहीं कहूँगी, क्योंकि आप पिता हैं और आपने सचमुच प्यार खोया। ना जाने कितने वर्षों से कैंसर से लड़ती रही केवल आपको देखने के लिए। शादी में भी तो आप नहीं मिल पाए क्योंकि आप सीनियर को खुश करने में लगे थे। सब समाप्त हो गया। बहुत विशाल हृदय वाली मेरी सास थी। उनकी डायरी है जो केवल मेरे लिए है, और मैं उसमें बहुत से पन्ने शुरुआत के केवल आपके लिए भरे पड़े हैं। फिर यह भी है कि उसने आपको कैसे खोजा और मुझे छीन लाई आपसे, परंतु उसने जो मुझे दिया वह आप दोनों न दे सके और शायद जीवन भर न दे पाते। वह माँ थी, परंतु आप दोनों डैड और मॉम हो केवल, और वहाँ रहती तो शायद अभी मिलता पति नहीं। मुझे वह डायरी दे दो जयता। कभी नहीं और शायद जीवन पर्यंत नहीं। आप उसके हकदार नहीं हैं। जाते जाते भी वह मॉम को स्नेह एवं आशीर्वाद ही दे गई। ठीक है, मिलना हो गया। मैं नहीं मिला तो तुम्हें ले लिया। जैता हंसने लगी। राजीव पूछ बैठा, हंस क्यों रही हो? मैं आपको अब कभी नहीं मिलूंगी और ना ही मॉम को। राजीव वहीं बैठा रह गया और जैता अपने कमरे में चली गई थी। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मुझे यानी रीता मिश्रा तिवारी जी की आवाज़ में लेखक हरीश श्रीवास्तव जी की लिखी कहानी प्रेम। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।